के चैनल में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एक बार आज की सुर्खियां। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, रखे आप आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय सोनाभा ज्वेलर्स, शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और हेवन सैलून, बेस्ट सैलून इन द टाउन। शिवरात्रि महोत्सव में नजर आया देवनाटी का अलौकिक नजारा, झूमते देवरथों ने किया लोगों को हार्डकोर। कांग्रेस जुटी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। जिला प्रशासन ने इस बार महोत्सव के दौरान देवनाटी कार्यक्रम का पहली बार आयोजन करवाया। आप भी देखिए किस प्रकार देवरथ झूमते हुए लोगों को भाव विभोर कर गए। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अपनी अनूठी देव परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि हर वर्ष इस महोत्सव में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार इस महोत्सव में पहली मर्तबा देवनाटी का आयोजन किया गया। हालांकि जिला के ग्रामीण इलाकों में देवनाटी होती है, लेकिन शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार देवनाटी हुई, जिसमें जिला के प्रमुख देवी देवताओं ने शिरकत की। ऐतिहासिक पटेल मैदान में आयोजित इस देवनाटी का दृश्य देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर देवरथ झूमते और नाचते ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लोग बड़ी संख्या में इस अलौकिक नजारे को देखने के लिए पड्डल मैदान पहुंचे और इसका भरपूर आनंद उठाया। बता दें कि पहाड़ी नाटी में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नाचते हैं और देवनाटी में लोग देवी देवताओं के रथ को कंधे पर उठाकर नाचते हैं। देवी देवताओं के साथ आए लोगों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और इस आयोजन में भाग लेकर खुद को भाग्यशाली बताया। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि देव परंपरा से जुड़ी देवनाटी को महोत्सव के दौरान हर वर्ष करवाया जाए, ताकि लोगों को देव संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इस देवता की नाटी की है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे जो प्रधान जी ने हमको दिए सलाह चलाई, उस सलाह के मुताबिक हमारे तो बड़ा बहुत आनंद आ रहा है और हम भी चाहते कि ये आनंद आना चाहिए। और शहर वालों को भी, हमारे पहाड़ियों को तो चलो हमारे तो नाटी है ही है, लेकिन मंडी शहर वालों को भी इसमें आनंद आना चाहिए थोड़ा सा। जो इस साल नाटी का कार्यक्रम देव मेला कमेटी की तरफ से रखा गया, वो बहुत ही सराहनीय कदम है कमेटी की तरफ से। और हम आगे भी चाहते हैं कि सभी देवताओं का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहे। इसमें सभी जो देवते के साथ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, उनका मनोरंजन भी होता है। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक वेशभूषा है वो भी झलकती है। पहली बार हुई देवनाटी में 18 प्रमुख देवी देवता शामिल हुए। इस अवसर पर सर्व देवता एवं कारदार संघ के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने देव संस्कृति को मिल रहे बढ़ावे के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन के सहयोग से आज देव समाज की प्राचीन परंपराओं का सही ढंग से निर्वहन हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो देवनाटी है, देव संस्कृति है, वो उभरे। ये हमारे सरकार भी चाह रही है और हमारा जो प्रशासन है, जिसमें हमारे अध्यक्ष चेयरमैन हमारे रघुवीर ताहिर ठाकुर जी है, वो इसको बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम दमाल देव समाज की तरफ से सरकार का और प्रशासन का धन्यवादी भी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार मौका दिया हमें कि देव समाज आगे बढ़े। ज्ञात रहे कि मंडी में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में हर वर्ष 215 पंजीकृत देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है, जबकि इसके अलावा अन्य देवी देवता भी इस महोत्सव में शिरकत करते हैं। देवी देवताओं के इतने अधिक संख्या में एक स्थान पर दर्शन करने का सौभाग्य इसी देव महाकुंभ में मिलता है और हर वर्ष इसमें कुछ नया करके लोगों को देव संस्कृति से रूबरू करवाने का भी प्रयास होता है। विधानसभा चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है।
कांग्रेस हमीरपुर के गांधी चौक से लोकसभा चुनावों का शंखनाद करने जा रही है। 20 या 21 फरवरी को कांग्रेस यहां पर एक विशाल रैली निकालकर सांसदों से हिसाब मांगते हुए अपने चुनावी अभियान का आगाज करेगी। इसके बाद सभी संसदीय क्षेत्रों में एक बड़ी रैली आयोजित कर लोकसभा चुनावों के लिए कमर कसी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजयपाल सिंह ने बताया कि हमीरपुर में होने जा रही रैलियों की तारीख फाइनल की जा रही है। उन्होंने बताया कि 20 या 21 फरवरी को यह रैली हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे, सह प्रभारी रंजीता रंजन, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह रैली एक तरह से कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनावों का शंखनाद होगी और उसके बाद हर संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि हर एक लोकसभा क्षेत्रों में एक प्रदेश स्तरीय रैली होगी और वो एक ट्रेनिंग सेशन भी हो सकता है या एक पब्लिक रैली भी हो सकती है जहां से इसका शंखनाद होगा। और जैसा कि अभी प्रारंभिक निर्णय लिया गया है, इसमें सभी सीनियर लीडर्स को अभी डिस्कस और उनकी राय ली जा रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से भी सुखविंदर जी बात करेंगे और प्रभारी से भी, तो मोस्ट लाइकली हमारी जो पहली जनसभा या जिसको कहते हैं शंखनाद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से होने जा रहा है और वो हमीरपुर जिला के गांधी चौक से ही होने वाला है ऐसा संभावित और ये 20 या 21 इसी महीने की होने वाला है। जैसे ही निर्णय तिथि का हो जाएगा, स्थान का हो जाएगा, हम सभी प्रदेशवासियों से आह्वान करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ आके इस शंखनाद को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि इस रैली के माध्यम से भाजपा सांसदों से उनके कामों का हिसाब मांगा जाएगा। विजयपाल सिंह ने कहा कि सांसदों ने अब तक कितना पैसा कहाँ खर्च किया, संसद में कितनी उपस्थिति रही और जनता के बीच कितना उपस्थित रहे, इन सभी बातों को लेकर सांसदों से हिसाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वक्त विपक्षी दलों की भूमिका में है और इसी नाते जनता की आवाज़ बनकर सांसदों से हिसाब और जवाब मांगा जा रहा है। तो उसमें हम अपने सांसद महोदय से आग्रह कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने एमपी लैड का जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कितना अनस्पेंट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन आवंटन किया है वो किस किस विधानसभा हलके में कितना किया है उसका हिसाब दें और हिसाब दें कि वो कितना सांसद में अवेलेबल रहे, क्या क्वेश्चंस, क्या मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए जिसके फलस्वरूप हिमाचल को कोई माइलस्टोन अचीवमेंट्स मिली और उनकी अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक, वो कितने उपलब्ध रहे जनता के बीच। तो ये सारी साइंटिफिक डेटा पे हम बात करना चाहते हैं। हिसाब का मतलब सीधा है कि हम तथ्यों पे बात करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस वार्ता में विधायक ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद अभियान चला रही है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद जीत कर गए हैं, पर उन्होंने पूरे इलाके की अनदेखी की है। कुल्लू जिला में सांसद ने अभी तक कोई आधिकारिक दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला के अधिकतर लोग सांसद को नहीं पहचानते। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि फोरलेन का निर्माण कांग्रेस सरकार की देन है, साथ ही रोहतांग टनल कांग्रेस की देन है। हिमाचल के सभी बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है, लेकिन इसके बावजूद कुल्लू की अनदेखी की गयी है। सांसद राम स्वरूप जी से पूछा जाए कि वो जीतने के बाद कहाँ पे घूम रहे हैं और कुल्लू क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है कि वे इस इलाके में कोई भी अपने उन्होंने ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा जैसे उन्होंने वोट मांगने आए थे, ना वो सही मायने से उन्होंने लोगों का कोई धन्यवाद भी नहीं किया, कोई आधिकारिक ऐसा टूर नहीं हुआ जिसमें कि लोग उनसे सीधे संवाद करें। उन्होंने कोई भी बड़ी परियोजना कुल्लू जिला के लिए लेकर नहीं आए और संभवतः जो परियोजनाएं कुल्लू जिला के लिए आनी थी
उन्हें भी वो सिरे नहीं चढ़ा पाए। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा चलाए गए हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद अभियान के तहत कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने सांसद रामस्वरूप शर्मा से जनता के समक्ष हिसाब देने की मांग उठाई। के चैनल के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने सोलन में अपने गुप्तचरों का जाल इस तरह से बिछा रखा है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति पुलिस की नजरों से बच नहीं पा रहे हैं। हर रोज पुलिस नशे के कारोबारियों और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल करती जा रही है। आज भी पुलिस ने एक ऐसे ही नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो उम्र में तो नाबालिग है लेकिन कारनामों में वह बड़े बड़े प्रोफेशनल चोरों को भी पीछे छोड़ दे। पकड़े गए चोर के घर से चोरी के लैपटॉप मोबाइल और भारी मात्रा में चुराए हुए पर्स के साथ भारी मात्रा में घरेलू सामान भी बरामद हुआ। इतना सामान बरामद होने से यह बात साबित होती है कि यह चोर काफी समय से चोरियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इस नटवर लाल के पास से कई गुच्छे चाबियों के भी बरामद किए जिन्हें यह चोरी की घटनाओं में उपयोग में लाता होगा। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसके पास से चोरी का काफी सामान बरामद हुआ है। पुलिस उससे लगातार गहन पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि उसने कहां कहां चोरियों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए इस शातिर चोर से उम्मीद है कि जल्द और भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। पिछले कुछ वीक्स में सोलन शहर और सबर्बन में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी। इसमें हमारी स्पेशल टीम उसको डिटेक्शन में और कैच करने में लगी हुई थी। तो कल रात को तकरीबन 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमें इनके जो सरगना है जो लीडर है उनको नैप करने की कामयाबी मिली है क्योंकि फुट पेट्रोलिंग काफ़ी एग्रेसिव थी सोलन शहर के अंदर। तो आज इनको हमने पूछताछ में शामिल किया है और आशा है कि इससे काफ़ी चोरियां और उनकी जो घटनाएं उनका खुलासा होने की उम्मीद है। इसमें पुलिस की टीम और SHO जो सदर है उसमें काम कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार वह जनता के सहयोग से अपराधियों तक पहुंच रहे हैं इसलिए वह चाहते हैं कि जनता का सहयोग उन्हें इसी तरह मिलता रहे ताकि वह सोलन में हो रहे अपराधों पर पूरी तरह से अंकुश लगा पाए। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला हमीरपुर में लगातार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी गर्ल्स कॉलेज में रेप का मामला शांत नहीं हुआ कि इसके साथ ही आज एक और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है जिसमें कॉलेज छात्रा ने तंग आकर हौसला दिखाते हुए हमीरपुर ASP के समक्ष जनवादी नौजवान सभा की अगुवाई में एक शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने हमीरपुर के एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसी को लेकर आज छात्रा और जनवादी नौजवान सभा के सदस्य ASP हमीरपुर से मिले और कार्यवाही की मांग की। छात्रा का आरोप है कि युवक पिछले एक महीने से अश्लील छेड़छाड़ कर रहा है और रास्ते में आते जाते भी परेशान करता है। जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने बताया कि ASP हमीरपुर से मिलकर छेड़छाड़ के मामले में जांच करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर रही है और लड़की को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है जिससे पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस तरीके से पिछले कल एक लड़की पुलिस में कंप्लेंट करती है और उसके साथ जो छेड़खानी की घटना वो वहाँ पर बयान करती है। उसके बाद जो रवैया पुलिस का जो रवैया था एक मीडियोकर को बीच में लाकर डरा धमका कर जो है वो लड़की को कंप्लेंट वापस लेने के लिए वहाँ पर दबाव बनाया जाता है। हमें समझते हैं कि जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं अगर जो रेप की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार जो बढ़ रही हैं वो जो कि बहुत शर्मनाक है उसमें अगर पुलिस का रवैया इस तरीके का रहेगा लड़कियों की जो आवाज़ है जो महिलाओं की आवाज़ है अगर वो अपनी फरियाद लेकर पुलिस के सामने जाते हैं वहाँ पर अपनी इंसाफ की वहाँ पर मांग करते हैं और हम ये देखते हैं कि पिछले काफ़ी समय से पुलिस इस तरीके का जो तौर तरीका है अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के मीडियोकर्स वहाँ पर होंगे BJP की सरकार है तो BJP की मीडियोकर्स वहाँ पर होंगे और वो सारा वो पैसे का लेन देन सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं और ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा देने का ये जो काम है ऐसी जो हरकत जो पिछले कल जो हुई है ये सारी अगर उनको महिलाओं का वहाँ पर बचाव को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तो सारी घटनाएं घटेंगी। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है
वो जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर जो है सरकार कड़े कदम उठाए, और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज़ का गठन करें, जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कॉलेजेस में शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट करें, अवेयर करें, ताकि इस समाज के अंदर जो है आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। वही लड़की ने बताया कि पिछले कल उन्होंने पुलिस थाना में युवक के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। लड़की ने बताया कि उसे शिकायत वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि छात्रा ने एएसपी हमीरपुर से इस मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए मांग उठाई। थाने में गई थी तो मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की थी, और एक लड़का है वो मैं एक से मतलब तंग करता है और गालियां ग्लोज करता है, और पुलिस वालों ने मेरी कोई भी सुनाई नहीं की। उन्होंने मेरे को और धमकाया और बोला कि मतलब तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, कल को आज मेरे को डरा रहा है, कल किसी और को भी डरा सकता है, मेरे को डरा डरू के मतलब ये कर लिया। आप अकेले गए थे कंप्लेंट लेके कि आपके साथ कोई गया था? रूममेट। आप साथ रूममेट थे? आप यहाँ से क्वार्टर लेके रहते हैं? हाँ जी। कितने बजे गए थे आप? 1 बजे गई थी। कल 1 बजे ना? हाँ जी, कंप्लेंट लिखाई थी 1 बजे और 4 बजे 5 बजे उन्होंने बुलाया। फिर उसके बाद मैंने मना किया था। शिवरात्रि मेले के पावन अवसर पर पी मार्क मस्टर्ड ऑयल द्वारा सिद्ध काली मंदिर परिसर में स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने रिबन काट कर किया। इसी दौरान लोगों को पी मार्क का तेल से बने हुए पकौड़े खिलाए गए, और इसी दौरान लोगों ने पकौड़ों का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर पी मार्क मस्टर्ड ऑयल के ऑनर अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि सुमन ठाकुर को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। पी मार्क मस्टर्ड ऑयल के ऑनर अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिवरात्रि मेले के पावन अवसर पर यह स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पी मार्क तेल 80 वर्षों से अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है, और आगे भी तेल की शुद्धता बरकरार रहेगी। शिवरात्रि के इस पावन मेले के अवसर पर मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पी मार्क का लगभग 80 वर्षों से भी अधिक समय से शुद्धता के लिए जाना जाता है। हम सभी लोगों का आभारी हैं, आभारी का व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज तक इसका साथ बनाए रखा, क्योंकि हमने शुद्धता की कसौटी पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश की है, और आगे भी हम ये जारी रखेंगे। इसलिए हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वही सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी शिरकत की, और उन्होंने पी मार्क तेल में बने हुए पकौड़ों का आनंद उठाया। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि पी मार्क शुद्ध सरसों का तेल है, जिस पर लोग कई वर्षों से विश्वास करते हैं, और शुद्ध वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में पी मार्क ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पी मार्क का सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल, मेक इन इंडिया, तो पूरे देश में आज इसकी अपनी धाक है शुद्धता की, और आज इस तरह पी मार्का ने, चाहे पशुओं के आहार की बात हो, देसी घी की बात हो, शुद्ध वस्तुएं उपभोक्ता को पहुंचाना, इसमें पी मार्का का बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक सरसों की तेल की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सरसों का एक औषधि का काम करने वाला तेल सरसों, आज जो भी मार्केट में जाता है वो चाहता है कि शुद्ध से शुद्ध सरसों का तेल मिले, तो उसमें पी मार्का ने पूरे देश में ख्याति अर्जित कर रखी है। तो मैं पी मार्का के मालिक को, उनके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनका योगदान हर क्षेत्र में रहता है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि पी मार्क 80 वर्षों से अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है। मंडी से कैमरा पर्सन सन्नी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों की तो कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन वीआईपी में कुर्सियां खाली ही रह गई। शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से इस बार 3 संध्याएं पहाड़ी कलाकारों के लिए रखी गई हैं, जिसमें दूसरी संध्या भी शामिल थी। दूसरी संध्या में ठाकुरदास राठी ने अपने गानों से धूम मचाई। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
जबकि सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ पार्टी के कुछ लोग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वीआईपी के लिए सैकड़ों की संख्या में जो कुर्सियां लगाई गई है उनमें से 70% कुर्सियां दूसरी संध्या में खाली ही नजर आई, जबकि इसके पीछे वाली दीर्घा में दर्शक काफी संख्या में संध्या का लुफ्त उठाते हुए दिखाई दिए। दूसरी सांस्कृतिक संध्या ठाकुरदास राठी को बतौर स्टार कलाकार बुलाया गया था। उन्होंने 9 बजे के बाद मंच संभाला और एक के बाद एक पहाड़ी गाने गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों से आए पहाड़ी गायकों ने भी अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। रात करीब 10 बजे तक चली इस सांस्कृतिक संध्या का दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में ठाकुरदास राठी ने कहा कि इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को मौका दिया है जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने उनका पूरा साथ दिया है जिसके लिए वे मंडी की जनता का धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मंडी शिवरात्रि में इस बार 6 नाइटों में से 3 नाइटें हिमाचलियों का, लेकिन इसमें एक बात है कि जिस प्रकार से ऑडियंस ने साथ दिया बहुत ब्रिलियंट, और मैं मंडी की ऑडियंस का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए आज अगर ऑडियंस नहीं झूमती, कम होती, तो आगे को प्रशासन को बोलने को होता कि हिमाचली नाइट है, नहीं चलती। लेकिन आज जिस प्रकार से साथ दिया बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हिमाचली फोक में बहुत दम है, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचली नाइट्स करवाई और इस तरह से पूरा इंतज़ाम करवाया और इस प्रकार से हमको पब्लिसिटी दी। क्योंकि मैं तो पहले भी कर चुका हूँ यहाँ मंडी में, स्टार नाइट पहले कर चुका हूँ, लगभग 3-4 बार मैं पहले में मतलब मेन स्टार नाइट कर चुका हूँ काफ़ी सालों से। कुछ सालों से होती थी, प्रोग्राम भी दिया, लेकिन जो मेन स्टार नाइट नहीं होती थी उसके कई कारण रहे होंगे, लेकिन अब जो वो कमी पूरी हो गई, इसलिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं ठाकुरदास राठी ने कहा कि लोग अपनी संस्कृति से प्यार करें और इसे संजो कर रखने में योगदान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी गायक एक दूसरे के गीतों को चोरी ना करे, जो गाना जिस स्वरूप में है उसे उसी में रहने दे। देखिए, लोगों को मैसेज देने वाला मैं तो कौन हूँ, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ लोगों से कि भाई अपने फोक से प्यार कीजिए, और जो सिंगर्स हैं, जितने भी मतलब के कलाकार हैं, उनको मैं एक ही हर बार मैं यही बोलता हूँ कि दूसरों की गीत मत चोरिए, पुराना फोक उसको मत तोड़िए, वो अच्छा है, ऑलरेडी अच्छा है, आप कितना सजाओगे उसको, वो ऑलरेडी अच्छा है। हाँ, नई टेक्निक से आप सजाओगे वो नहीं है, लेकिन जो फोक है वो अच्छा है, उसको मत छेड़िए, दूसरों के गीत मत चुराइए। अगर आपको गीत लिखने नहीं आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जो सिंगर है वो गीत लिखे, लिखने वाले बहुत हैं, उनके गीतों को आप धुन में पिरोइए, संगीत में, अपने आवाज़ में, और उनको हिट करवाइए, तभी आप हिट होंगे, अदरवाइज शॉर्टकट अपनाने से कोई फायदा नहीं जी। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में ठाकुरदास राठी ने अपने गानों से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। मंडी से कैमरा पर्सन सन्नी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के चैनल पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ।